टॉप लेंथ 39 बहुत सुंदर आर्टिकल है 395 जी छा गए गुरु ये थैंक यू आप लोग हो तो हम छा ही जाएंगे ना तो बहुत ही टेंशन में है क्या देख रहे हो ये इनके पीछे देखो क्या लगा हुआ है ये देख सकते हो पीछे पीछे बालों में देख स्क्रीन सर्दी कम होने दो तो 2 लाख का बिल बनाया पूरे दिन में और कंजूसी कर रही है मेरे खिस्से में गए पैसे बिल पे नहीं किया है ये देखो ये चालू हो गए कस्टमर है और ये खाने लग गए यहाँ पर अभी समोसे चल रहे भाई हैं। लेकिन मैं जैसे ही ऑफिस जाऊंगा गाड़ी अगर मैं ऑफिस के बाहर रखूंगा ना तो 100% बारिश होगी और बारिश हो रही है यहाँ पर और तुम्हारा भाई जो है वो देख सकते हो रेनकोट पहन के खड़ा हुआ है और गाड़ी जो है बंद हो गई भाई चलो तो भाई एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्लर हो गया पूरा सिस्टम लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कैमरे के पास थोड़ा सा पानी आ गया है तो हेलो गाइस कैसे हो आप सब भाई होप आप सब बढ़िया हो तो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते दीजर प्रवेश खान वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद हम लोग हमारा ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं क्योंकि भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी सी नहीं बोल सकता मतलब मैं काफ़ी सारी भी बोल सकता हूँ तो इसके लिए मुझे ब्लॉग बनाने का जो टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी जॉब भी चल रही है साथ में और भी बहुत सारे काम है थोड़ी वो टेंशन है तो वो जल्दी जल्दी टेंशन ख़त्म करने के पीछे में लगा हुआ हूँ तो जल्दी से हो जाए उसके बाद में हम लोग एक अच्छा सा ब्लॉग बनाए अच्छी सी चीज़ें हम लोग आप लोगों के लिए लाए अच्छा सा कोई कंटेंट लाएँ। काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ लेकिन अभी बरसात भी चालू है सूरत के अंदर तो मैं बाहर नहीं जा सकता और बारिश के अंदर जाने वाली बहुत सारी जगह है हिल स्टेशन वगैरह है बट अभी थोड़े से काम चल रहे प्रॉब्लम चल रही तो उसकी वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ तो बहुत ही जल्दी उसका भी मैं एक ब्लॉग लाऊंगा लेकिन फिलहाल मैंने सोचा है 10 दिन से कोई ब्लॉग नहीं शूट किया तो स्क्रिप्टेड मैं बनाता नहीं हूँ पहले से स्टोरी लिखता नहीं हूँ कि भाई ये बनाना है ऐसा नहीं बनाता हूँ मैं सिंपली जो मुझे ठीक लगता है मैं बनाता हूँ तो बस आज हम लोगों ने सोचा कि एक ब्लॉग बनाएंगे हमारी ऑफिस जा रहे हैं हम लोग तो उसके लिए हम लोग ब्लॉग बनाएंगे तो साथ में देख सकते हो कौन है हमारी छोटी सी हमारी हुरेरा जो क्या बहुत गुस्से में मेरे से क्योंकि कल से ही गुस्सा कर रही है क्योंकि भाई मैं जैसे ही मैं जो ऊपर से आता हूँ तो इसके पास मैं आता हूँ और इसके पास अगर मैं नहीं आऊँगा मस्ती नहीं करूँगा तब ये पूरी रात मतलब बात नहीं करेगी मस्ती नहीं करेगी तो फिलहाल चलो अभी हम लोग यहाँ से तो निकलेंगे और उसके बाद में हमको जाना है अभी जॉब के लिए रेडी होना है उसके बाद में हम लोग को जॉब के लिए निकलना है तो चलो हम लोग जाके पहले रेडी हो जाते हैं उसके बाद में हम लोग निकलते हैं। तो गाइस घर से निकल चुका हूँ और फुल बारिश है यहाँ पे आप देख सकते हो भाई खतरनाक बारिश हो रही है यहाँ पर और तुम्हारा भाई जो है वो देख सकते हो रेनकोट पहन के खड़ा हुआ है और गाड़ी जो है बंद हो गई भाई चलो ऐसे निकलते हैं अभी जल्दी जल्दी गाड़ी बंद हो गई है अच्छा पेट्रोल पम्प यही है क्योंकि भाई 2 दिन से गाड़ी पेट्रोल नहीं है गाड़ी में ऐसे चला चला कर ध्यान दिया नहीं बराबर तो अभी गाड़ी मुझे लगा कि गाड़ी ऑन में होगी लेकिन गाड़ी ऑलरेडी रिजर्व में थी और गाड़ी भी बंद हो गई भी जाके पेट्रोल डलवा लेते हम लोग यहाँ पे चलो जल्दी से निकलते क्योंकि जॉब के लिए हमको लेट हो रहा है। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ हमारी जो शॉप है जहाँ पे हम लोग जॉब करते हैं अभी वहाँ पहुँच चुका हूँ और गाड़ी भाई मैंने इधर रखे आप देख सकते हो गाड़ी मेरी यहाँ खड़ी है हैंडल लॉक कर देता हूँ बस एक प्रॉब्लम है गाड़ी यहाँ खड़ी करने का रीज़न क्योंकि भाई क्या होता है पता है ज़्यादातर मेरी गाड़ी है ना एकदम पास में आके बंद होती है मतलब मेरे घर से जब निकलता हूँ ना तब गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और जैसे ही मैं सेंटर में आ जाता हूँ यहाँ पे आसपास में कोई भी मतलब रिपेयर वाला सर्विस सेंटर वाला नहीं होता ना वहाँ पर आके मेरी गाड़ी बंद हो जाती है ज़्यादातर लेकिन फाइनली आज पहुँच गई क्योंकि 2 दिन पहले ऐसा हो चुका था मेरे साथ बारिश के अंदर गाड़ी एकदम भटार के पास आके बंद हो गई आजू बाजू कोई सर्विस सेंटर वाला नहीं था तो गाड़ी जाके मुझे बनवानी पड़ी 1.5 घंटा मेरा उसमें वेस्ट हुआ और फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से हमको जाना है अनमोल कॉम्प्लेक्स और उसके पहले ही हम लोगों ने गाड़ी पार्क करी क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अनमोल कॉम्प्लेक्स जहाँ पर वहाँ पर अंदर वाली जो पार्किंग होती है बेसमेंट पार्किंग नहीं है वहाँ पर बाहरी गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है और उसकी वजह से गाड़ी की टंकी में पेट्रोल जाए गाड़ी की टंकी के अंदर पानी जाने से गाड़ी 2-3 बार ऐसा हो चुका है देख सकते हो आप माहौल यहाँ का बारिश इतनी खतरनाक हो रही है ना बस सूरत के अंदर है ना घूमने जैसा है बारिश के अंदर कहीं पर भी आपको जाना हो ना तो जा सकते अब यहाँ से मेरे को गाड़ी खड़ी करके मुझे उस साइड से पैदल पैदल जाना पड़ेगा तो बस यहाँ से निकलते हैं मोबाइल रखना पड़ेगा क्योंकि भाई ख़राब हो गया तो एक ही है तो चलो यहाँ से हम लोग निकलते हैं फटाफट चलो निकलते मोबाइल रख देते हैं। तो भाई एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्लर हो गया पूरा सिस्टम लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कैमरे के पास थोड़ा सा पानी आ गया है और भाई हम लोग चले जा रहे हैं पैदल पैदल चलना पड़ रहा है क्योंकि भाई अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली बारिश हो रही है बस हमारे मोबाइल को कुछ नहीं होना चाहिए उसके पहले हम पहुँच जाए और वहाँ पर जाके देखते हैं हमारा क्या काम बाकी है क्या नहीं कल का जो बाकी होगा वो करेंगे हम लोग फिर यहाँ से भी हम लोग निकलते हैं। और आज लंच का भी हमारा बहुत एक खतरनाक सीन हुआ लंच बॉक्स बनाया और मैं पार्किंग के अंदर जब गाड़ी निकाल रहा था तो पार्किंग के अंदर ही लंच बॉक्स भूल गया तो अब यहाँ से बाहर जाके हमको खाना पड़ेगा तो चलो आ गया हमारा अनमोल कॉम्प्लेक्स ऊपर जाते हैं रेनकोट जो चेंज करते हैं बाद में मिलते हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे काम चोरी कर रहे हैं बैठ के फोन इनका फोन बंद हो चुका है ये इनका फोन बंद हो चुका है उनका रीजन ये खुद बताएगा क्या हुआ तुम्हारा फोन क्यों बंद हुआ है बताओ जरा बताओ
तुम बहुत व्लॉग बनाते हो, आज ये व्लॉग में बोलो तुम्हारा फोन क्यों बंद हुआ है? फोन इसलिए बंद हो गया, ये मैं भरी थी फिर भी मेरा फोन बंद हो गया, हद नहीं हो गई बैंक वाले की? नहीं नहीं, EMI भरते उनका फोन कभी बंद नहीं होता है, EMI बाउंस हो गई है तो फोन पे लॉक हो गए। मैं बताता इनका फोन यहीं कहीं पड़ा होगा, बता बता बता, मैं फोन बताता हूँ, झूठ अभी पकड़ा जाएगा, झूठ अभी पकड़ा जाएगा इनका। ये हमारे यासमीन मैम है, ये देखो ये फोन इनका जो है बंद हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट भी आ गया, देख सकते हैं ये, देख लीजिए फोन पे लॉक लग गया है, EMI पेंडिंग है तो भरा करो, EMI भरा करो, झूठ मत बोलो, भरा करो। आप देख सकते हो मैंने वियर किया हुआ, इस तरह का लुक जाएगा, लाइक अ गरारा लुक बोलते हैं ना, उस तरह का लुक जा रहा है। 39 and 42 प्लाजो की लेंथ, 42 प्लाजो लेंथ, 42 टॉप लेंथ, 39 बहुत सुंदर आर्टिकल है, 395 जी। छा गए गुरु, ये थैंक यू, आप लोग हो तो हम छा ही जाएंगे ना। आपने वियर किया साइज 38, 40, 42, 44। तो बस अभी हम लोग निकले हैं गोडाउन के लिए शॉप पर से, और अभी जा रहे हैं, कुछ पीसेस खत्म हो गए थे तो वो लेने के लिए जा रहे हैं, एक कोट सेट था उसका सेट खत्म हो गया है तो वो लेने जा रहे हैं हम लोग गोडाउन पे। तो भाई यहाँ पर गोडाउन भी है हमारे GFH कलेक्शन का, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि गोडाउन कहाँ है, ये सब कुछ पार्ले पॉइंट पर ही, अब मैं गोडाउन आपको बता देता हूँ, बस यहाँ से थोड़ा सा दूर है, चलो चलते हैं। बिजनेस हब आप देख सकते हो, और यहाँ से सीधा जाना है, सीधा जाना है भाई, बस वालों ने तो ना ऑटो बना लिया है, बस को कहीं पर भी रुका देते हैं, ये बस कम है और ऑटो ज़्यादा लगती है, जैसे ऑटो वाले कहीं पर भी रुकाते वैसे ये आजकल बस वाले ना कहीं पर भी रुका देते। ये सिमजा होम स्टोर करके है, होम स्टोर अभी ये गली के अंदर चलते हैं, ये रहा सिमजा होम स्टोर, यहाँ पर जाना है ऊपर, ये रहा ऊपर भाई, तो ले लिया एक शेड हम लोगों ने, अब जल्दी से जाते हैं शॉप पे, चलो 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 भाई। आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द कुछ नया लाऊंगा मैं, अरे उल्टा आ गया भाई, यहाँ चलना है। मैं बहुत ही जल्दी कुछ सोच रहा हूँ कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का, लेकिन बस जिस दिन यहाँ से छुट्टी रखूँगा उसी दिन मैं व्लॉग बना पाऊँगा, तो तब तक आप ऐसे ही व्लॉग देख के इन्जॉय कीजिए। तो बस वापस निकल गए हैं, और अभी हम लोग पहुँचे हैं राजहंस ऑर्नेट के पास, पार्ले पॉइंट राजहंस ऑर्नेट के पास, अभी जल्दी से जाते हैं और हमारा जो काम है वो फटाफट करते हैं, क्योंकि भाई आज बहुत ज़्यादा काम है, मतलब लंच का भी टाइम नहीं मिल रहा है हम लोगों को सुबह से, तो बहुत ही टेंशन में है। क्या देख रहे हो, ये इनके पीछे देखो क्या लगा हुआ है, ये देख सकते हो पीछे, पीछे बालों में देख सकते हो ये क्या है, पता नहीं, पता नहीं क्या लगा हुआ है इनके बालों में, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। यासमीन मैम पार्टी करा रही है लेकिन उनके पैसे बच गए हैं, उन्होंने बिल पे नहीं किया है, ये देखो ये चालू हो गए, कस्टमर है और ये खाने लग गए यहाँ पर, अभी समोसे चल रहे भाई यहाँ पर, और वो हंस रहे बैठ के। तो गाइज आज अभी तक हमारा GFH कलेक्शन चल रहा है, और अभी लाइव का टाइम है 9:30 से 11:30 बजे तक लाइव होता है, और भाई आज कस्टमर थोड़े ज़्यादा आ गए थे तो इसके लिए थोड़ा टाइम हो गया, 9:50 हो गए, और अभी यासमीन मैम श्रवण भाई और दीप वो लोग वहीं हैं, और मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ, जल्दी नहीं लेट ही बोल सकते क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 9:30 तक 9:30 बजे तक हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन अभी टाइम हो गया है 9:40 या 50 समथिंग हो गया, तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी गाड़ी भाई वहाँ पर खड़ी है ब्रिज के नीचे, तो चलो जाते हैं गाड़ी के पास। तो भाई चलो निकलते हैं, थोड़ी देर खड़े थे अभी जाते हैं, भाई भीड़ देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन भाई हमारा टाइम तो संडे वनडे सब यहीं पर ही जाता है, संडे का दिन भी चालू रहता है। तो गाइस फाइनली घर पर आ चुके हैं, और भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा थक गया भाई, अभी पहुंचा हूँ, मेरे को 15 से 20 मिनट लगे पहुंचने में, 10:15 हो रही है, हमारी भुरेरा जा रही है, पता नहीं देखते कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। तो बस आज का जो ब्लॉग है आप लोगों को पसंद आया होगा तो हम लोग ख़त्म करते हैं, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद हो तो लाइक करना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो टाटा बाय बाय, लव यू।